महिलाओं को यही कहूंगी कि आप आगे आए और नौकरी करने की जगह बिजनेस करें, क्योंकि बिजनेस के अंदर आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हमें अपने पैशन को ही अपना जुनून बना के आगे बढ़ना होगा। व्यवसाय शुरू करने से पहले मेरे मन में थोड़ा भय था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। अपने परिवार के आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए तो मैंने रेस्टोरेंट खोला, तो मैंने देखा कि वो सब इतना आसान नहीं था। MCDP करप्ट है, वहाँ रिश्वत मांगी गई, रिश्वत देकर बनवाया गया। धीरे धीरे हर चीज में स्टेप बाय आगे बढ़ते चले गए। आज मेरा रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है। मेरा नाम वीना कुमारी है, मैं साईं सहारा अपना घर से जुड़ी हुई हूँ काफ़ी टाइम से, और मैं बहुजन समाज से हूँ। एक समय ऐसा था कि मेरा परिवार थोड़ा आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, तो मैंने अपना एक रेस्टोरेंट छोटा सा चालू किया। तो उस समय ऐसा लगता महिलाओं को बाहर निकलने के लिए बड़ी मतलब बहुत छोटी सोच है लोगों की कि महिलाएं व्यवसाय कैसे करें। तो सोच को चेंज करा, थोड़ा सा मैंने बाहर निकला। व्यवसाय शुरू करने से पहले मेरे मन में थोड़ा भय था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, पर जब मैं ये सब करते हुए जब मैं बाहर निकली अपने परिवार की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए, तो मैंने रेस्टोरेंट खोला, तो मैंने देखा कि वो सब इतना आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था। जब मैं उसके अंदर गई कि भाई मुझे ये करना है, मतलब हर चीज़ की एक वो होती है कि हमने इस तरीके से ये वाला स्टेप यहाँ उठाना है वो उठाना है, पर आसान बात नहीं थी ये सब। छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी, जब मैंने MCD में अप्लाई किया लाइसेंस के लिए, क्योंकि हम कोई भी कुछ भी खोलते हैं उसके लिए फूड लाइसेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब मैंने उसे अप्लाई किया तो मतलब MCD भी करप्ट है, वहाँ रिश्वत मांगी गई, रिश्वत देकर बनवाया गया। बड़ी उसकी बात है, अचंभे की बात है, सारे सब कुछ देने के बाद, सारी चीज़ें सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ देने के बाद रिश्वत दे के लाइसेंस बनाया गया। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को है ना आगे बढ़ के करना चाहिए, धीरे धीरे तरक्की की, धीरे धीरे हर चीज़ में स्टेप बाय आगे बढ़ते चले गए। आज मेरा रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है। मैं यही कहूँगी, सभी महिलाओं को यही कहूँगी कि आप आगे आएँ और नौकरी करने की जगह बिजनेस करें, क्योंकि बिजनेस के अंदर आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नौकरी एक लिमिटेड कमाई है आपकी, और बिजनेस में आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और बहुत अच्छा आप जी सकते हैं, सब चीज़ों को जैसे बड़े लोग होते हैं वैसे रह सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम सपना सेनी है, काबी मोटर में रहती हूँ। मैं एक सिंगल पेरेंट होते हुए मैंने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया था 3 साल पहले, चॉकलेट्स। मेरी ब्रांड का नाम है मम्मीज़। मैंने घर से ही मैनुफैक्चरिंग और उसकी डिलीवरी शुरू की थी, और आज ज़्यादा पहले से बहुत अच्छी स्थिति है मेरी। और मैं कहूँगी कि आप सबको ये छोटा छोटा व्यापार जरूर शुरू करना चाहिए अपने लेवल पे। हमें अपने पैशन को ही अपना जुनून बना के आगे बढ़ना होगा, इससे बहुत सारे फायदे हैं। पहला है कि हम आत्मनिर्भर बनते हैं, इतना कॉन्फिडेंस आता है धीरे धीरे कि हम अपने छोटे से बिजनेस को एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। दूसरा कि हम खुद के बॉस होते हैं, किसी के अंडर काम करने की जरूरत ही नहीं, हम खुद के बॉस खुद ही होते हैं। खुद के साथ साथ खुद को डेवलप करने के साथ साथ हम 10 लोगों को और कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम किसी को दे रहे हैं और वह बहुत इज्जत मान से दे रहे हैं। अपना छोटा सा व्यापार शुरू करने का मुझे बहुत बड़ा फायदा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं समाज सेवा संस्था से भी जुड़ी हूँ, जो कि साईं सहारा अपना घर, जिनके जरिए मैं यहाँ आई हूँ। योगेश्वरी पिपली वाले हैं, वो हमारी अध्यक्षा है हमारे NGO की, उन्होंने मुझे आने के लिए आज आमंत्रण दिया था, तो मैं आभारी हूँ उनकी। उनके जरिए मैं आज यहाँ पे खड़ी होकर बात जरूर कहूँगी कि आर्थिक जो स्थिति हमारे देश की है उसमें भी हमारा बहुत बड़ा सहयोग रहता है। छोटे छोटे कदम,
छोटे छोटे उद्यमी भी करो, बैंक आउट नहीं होते, लेकिन ये बहुत बड़ा स्टेप रखते हैं, बहुत बड़ा स्टेप देते हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था को। और इसमें अपना जुनून हो, अपना हमारा पैशन हो, उसे करने के साथ साथ उसमें नई चीज़ें बहुत सीखने को मिलती हैं। मतलब निरंतर हम सीखते रहते हैं, स्टूडेंट रहते हुए हम अपने काम को आगे बढ़ाते रहते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने देश की अर्थव्यवस्था में और एक समाज सुधारक उसमें और समाज की किसी न किसी काम आ रही हूँ। अपने बिजनेस के साथ साथ मुझे रियली बहुत ज़्यादा खुद पे प्राउड होता है कि मेरी दोनों बेटियाँ, दो बेटी हैं मेरे पास, दोनों बेटियाँ मेरा बहुत सहयोग करती हैं और इस उद्योग को बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, मुझे मोटिवेट उन्होंने बहुत किया है। और प्लीज़ मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना भी हो सके अपने पैशन को, अपने पैशन मतलब अपनी पसंद को, अपना जुनून बनाइए और प्लीज़ आगे आइए, अपने पैशन को एक उद्योग का रूप दीजिए। गवर्नमेंट हमारे साथ है और आपको लोन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सर ने अभी बताया है और भी आपको जानकारी मिलेंगी। और प्लीज़ आइए, अपने पैशन को जुनून बनाइए, उसे एक बड़ा मोड़ दीजिए और एक बड़े उद्योगपति बनने के रास्ते पर चलते। सभी धन्यवाद।